सोफा से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय सोया खली की कीमतों में गिरावट के चलते अक्टूबर के दौरान इसका निर्यात दोगुने से ज्यादा होकर 50,000 टन पर पहुंच गया है। दरअसल पिछले साल अक्टूबर में देश में 22,000 टन सोया खली का निर्यात किया गया था। सोपा के कार्यकारी निदेशक डीएन पाठक ने कहा है कि अक्टूबर में भारतीय सोया खली के दाम में कमी के कारण इसकी अंतर्राष्ट्रीय मांग में इजाफा देखने को मिला है। हालांकि नवंबर में भारतीय सोया खली की कीमतें एक बार फिर बढ़ गई हैं। गौरतलब है कि सोया खली के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत को अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना और जैसे शीर्ष निर्यातकों से कड़ी मूल्य प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। प्रसंस्करण कारखानों में सोयाबीन का तेल निकालने के बाद बचे उत्पाद को सोया खली कहते हैं और ये उत्पाद प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। इसे सोया आटा और सोया बड़ी जैसे खाद्य पदार्थों के साथ ही पशु आहार तथा मुर्गियों का दाना भी तैयार किया जाता है। लेकिन फिलहाल कीमतों में गिरावट के बावजूद निर्यात दोगुने से ज्यादा बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।